फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये देखो फ्यूचर ऑफ म्यूजियम। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको मज़ा सिर्फ फ़ोटो, इसको सिर्फ यहाँ पे फ़ोटो खींचना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है, पानी? नहीं नहीं नहीं, पानी पैर वैर मत डाल। ये देखो ये रोबोट है जो कि भाग रहा है, नाइस। तो अभी हम लोगों को ये बैंड मिला हमारा टिकट दिखा के, और आते ही मान आप लोगों ने देख लिया रहेगा वो टेक्नोलॉजी कैसा था, तो इस वजह से मैं ये मिस नहीं करने वाला था। रश्मिता को भी काफ़ी अच्छा लगा ना आते ही बैंड मिला। तो इसके साथ ही एंट्री है, तो लेट्स सी, देखते हैं अभी हम लोगों को अंदर की तरफ क्या दिखाते हैं। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं लाइन लगा के। ये देखो मज़ा आ रहा है, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस। वो रॉबर्ट देखिए बाबू कैसे घूम रहा था, रश्मिता उसको टच करने जा रही थी तो उन्होंने बोला, और वो खुद भी पीछे हो रहा था। तो चलो अभी लाइन लगाते हैं फटाफट, ये कंप्लीट करते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। चलो तो अभी ये देखो, ये जो आप लोग लिफ्ट देख रहे हो, ये पूरा कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल उस तरीके की लिफ्ट है। ये देखो पूरा जैसे छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं ना, वैसे लिफ्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। रश्मिता बोल रही थी ऐसा लग रहा है हम लोग एक इमेजिनेशन की दुनिया में आ गए, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग इस तरीके की चीज़ें तो फिलहाल पिक्चर में ही देखे हैं जो अभी हम लोग देखने को आ रहे हैं, बल्कि सही है। तो ये देख रहे हो आप लोग कितना सही है, डॉल्फिन है या फिश है पता नहीं, बट कुछ भी अच्छा है। देखो इसको कैसे उड़ाया जा रहा है, किस पे उड़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल पे पता नहीं, लेकिन बहुत ही सही दिख रहा है यार, मज़ा आ गया, वाओ। और ये तू देख रही है क्या, वो मतलब टच भी नहीं कर रहा उस पर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से घूम रहा है, देख रही है रश्मिता, मतलब सर टच कर सकता है या टकरा जा सकता था, लेकिन नहीं है, देख बराबर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को अंदर लेके चले गए, और अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये एक तरीके का स्पेस स्टेशन डिज़ाइन किया गया था, जो कि हम लोग को अंदर लेके जाने का था। और जैसे ही हम लोग अंदर गए तो अंदर हम लोग को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हमको कैसा करना है, क्या करना है। और ये जो आप स्पेस स्टेशन देख रहे हो, ऐसा दिखाया गया है कि फ्यूचर में आने वाले साल में यहाँ से डायरेक्ट आप स्पेस के ऊपर भी जा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ बनाया गया है जिसकी स्पीड होगी करीबन 6000, मतलब ये आप देख सकते हो कितना ही बहुत ही प्यारा था ये देखने में, हम लोग को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ये आप लोग खुद देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग उसको पकड़ के खड़े हो गए क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाने वाला था ऐसा लग रहा था, लेकिन वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ एक विजुअल दिखाने वाले थे हम लोग को, विजुअल ऐसा दिखाने वाले थे जिससे हम लोग को ऐसा लगता कि हम लोग स्पेस की तरफ जा रहे हैं। वो मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ, देख लो आप लोग। ये देखो खुल गया, वाह वाह, पहुंच गए क्या हम लोग? हाँ पहुंच गए, अर्थ में पहुंच गए हम लोग, मून है, देख इधर देख वो है चांद, चांद देख लो दोस्तों, हम लोग चांद पे पहुंच गए। स्पेस है बाबू, ये 3D मॉडल। ये देखो सैटेलाइट से कैसा दिखता है, देखो ये अर्थ है। ये चांद है। तो अभी हम लोग स्पेस शिप से नीचे आ चुके हैं, और ये अभी हम लोग लेवल 5 पे हैं। अब यहाँ से हमें 4 पे जाना है। अब देखते हैं 4 के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी स्पेस शिप जो भी हम लोग ने देखा बहुत मज़ा आया, अच्छी चीज़ें, आओ देखो यार कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है। ये सब ऐसा दिखाया गया है कि 2071 फरवरी तक, 2071 मतलब अभी बहुत साल है, तब तक हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, इसलिए अभी जाके आ जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ये तरफ जा रहे हैं और देखते हैं क्या कैसा बनाते हैं यार बाबू, देखना वाओ, पूरा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दिया गया है यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, ये देखो हर तरीके का जानवर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मंकी है क्या है, वाओ। तो अभी ये देखो एक ऐसा सिस्टम दिया हमको जिससे मालूम पड़ेगा, ये देखो ये एग्जिस्ट है, मतलब ये है, इसका नाम भी दिखा है कि अगर वाइट आता है तो अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है, और नहीं है वो एनिमल, तो इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज है, कौन कौन सी नहीं है ये गैजेट के थ्रू, और जाते समय हमको ये देना है, उनको वापस करना है। तो अभी हम लोग 4th फ्लोर
पे थे और आप लोगों ने देख लिया होगा जो जो हम लोग ने आप लोग को दिखाया। अब इस समय हम लोग जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे और वहाँ पे दिखाते क्या क्या है। चलो तो अभी हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 3, मतलब इन्होंने चैप्टर में डिवाइड किया है। जब हम लोग ऊपर थे चैप्टर 5 था, 4, अब 3। तो चलो देखते हैं चैप्टर 3 में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आप लोग मुझे देख लो। चलो और दिखाते हैं। वाओ, अब इस ये हर जगह कुछ ना कुछ लिखा है, पढ़ सकते हो आप लोग। शायद कैमरा वो चीज़ें नहीं दिखा पाता, इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग अगर पॉसिबल है तो आ सकते हो। बाकी देखते हैं ये सब क्या है, लेट्स सी। चलो अंदर की तरफ देखते हैं। अच्छा, ये पीस के लिए कुछ है शायद, लेट्स सी। आ जाओ। ओ भाई साहब, बाबू ये क्या है? तो ये देखो, ये वॉक करने के लिए है। रश्मिता डर रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? ये 3D में ही कुछ बनाया गया है, ऐसा लग रहा है आप पानी में चल रहे हो। वो जो 3D तरीके से बनाया गया है काफ़ी अच्छा है, ये आप लोग देख सकते हो। एक और यहाँ पे ऐसा है कि बीच में खड़े रहना है और फोकस करना है, बहुत अच्छा लगेगा। आँख बंद करके कर, हाँ बंद करके जैसे इमेजिन करते ना वैसा, आँख बंद करके ऐसे ही शांत खड़ी रहे, पीस मिलेगा, मेडिटेशन टाइप है कुछ, काफ़ी अच्छा है। चलो मैं ये सेट खड़ा हो जाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है रश्मिता? मेडिटेट करने बैठे हैं। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, फिर चले जाओ, एग्जिट हो जाओ, फिर चैप्टर 2 आएगा। तो आप लोग को 3 ये था, हाँ 3 ये था। तो आ जाओ उधर सोते ना। अच्छा हाँ, वो 5th चैप्टर था ऊपर से ऐसा। तो आ जाओ अभी हम लोग इधर सो के मेडिटेट करते हैं। तो अभी हम लोग लेट के मेडिटेशन ले रहे हैं। सब पैसे की दुनिया है भाई, और कुछ नहीं है, पैसा रखो जेब में, मेडिटेशन वही। ये देखो अभी ऊपर देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोग को ऊपर क्या चल रहा है। अभी इस समय तो हम लोग सोए हुए, सो के ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ये देखो ऐसा कुछ है, इसको देखते रहने का माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो रश्मिता को इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसका माइंड ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से कुछ बनाया गया है। ये देखो हम लोग अभी लेटे हुए यहाँ पे और ऊपर देख रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 2 में। कहाँ पे आए हैं? चैप्टर 2। हाँ, और ये क्या लिखा है यहाँ पे? टुमारो टुडे। हाँ, तो अब हम लोग आए इस समय, पहले हम लोग सीढ़ी से उतरे थे, बट अभी लिफ्ट से आए, वो कैप्सूल वाली लिफ्ट से। तो अभी वाओ रश्मिता, ये तो पूरा रोबोट वाली दुनिया है ना, पूरा रोबोट वाली दुनिया। दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये देखो, ये पूरा रोबोट वाली दुनिया है। ये देखो किस तरीके से पूरा एकदम बनाया गया है, आप लोग को देखने है। देखो ये कार का डिज़ाइन, ये पूरा, ये सारी चीज़ें। ये देखो ये रोबोट देख रहे हो, ये पूरा रोबोट वाली दुनिया है। उसका हाथ, ये स्पेस, ये देखो ये क्या बात है। और ये देखो पूरा टेक्नोलॉजी टाइप बनाया गया है। ये ड्रोन है, इसके अंदर आईफोन का कैमरा लगाया हुआ है। देख, अरे देख तो वैसे ही दिख रहा है। और क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो पूरा, वाओ ये देखो स्विमिंग वगैरह के लिए सब कॉस्ट्यूम वगैरह। और यहाँ पे भी कुछ है जो आप लोग को देखने को मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं बालकनी से, पूरा आप लोगों को म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दिखाने। ये देखो वाओ, नाइस ना, पर यही अगर मॉर्निंग के टाइम आते तो काफ़ी अच्छा लगता। यहाँ से देखो आप लोग कितना मस्त नज़ारा है, और यहाँ से भी देखो वाओ। और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, बट हम लोग थोड़ा रात के टाइम आए तो फिर इतने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आएंगे। तो हम लोग निकल आए वहाँ से, और यहाँ से हमारा होटल सिर्फ 2 मिनट वॉकिंग पे था, तो इसलिए हम लोग फिर वॉक करते हुए निकल आए। यहाँ पे ही हम लोग का होटल। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। अगर आप लोग डायरेक्ट ऐसे सोचोगे कि गाड़ी चल रही है और मैं क्रॉसिंग कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपको ज़ेब्रा लाइन दिखेगी वहाँ से ही आपको जाना है। तो चलो अभी होटल पहुँचते हैं और उसके बाद आप लोग को मिलते हैं।